हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं जो हेलो एल्केन है उस हेलो एल्केन की लेक्चर नंबर 5 के। तो इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से जो हेलो एल्केन है उस हेलो एल्केन की जो कि प्रॉपर्टीज के बारे में। और इस तरह से जो प्रॉपर्टी होता है वह दो तरह से पढ़ेंगे हम लोग। एक तो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और एक पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम लोग जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। इस तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, चार तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में। सेकेंड नंबर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस पर पढ़ने वाले हैं जो बॉइलिंग प्वाइंट होता है उस पर। थर्ड नंबर प्वाइंट की बात करें तो यहां पर जो कि इसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। और जो फोर्थ नंबर पर बात करने वाले हैं इस तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टी वह है इस हेलो एल्केन की डेंसिटी के बारे में। तो इस तरह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है देखते हैं। देखिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इस फिजिकल प्रॉपर्टी में इसके साथ साथ जो कि हम लोग ऑर्डर भी पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें जो कि है फिजिकल स्टेट और उसके साथ साथ इस पर जो कि ऑर्डर है उसके बारे में। तो देखिए जो हेलो एल्केन होता है उस हेलो एल्केन में होता क्या है, अगर इस तरह से बात करें CH3Br या बात कर ले इस तरह से CH3CHCl और अगर बात करें इस तरह से C2H5 और इस तरह से Cl। और इसके बाद अगर बात करें अगर कार्बन की संख्या यहां पर एक है या तो कार्बन की संख्या यहां पर दो है तब की बात कर, लेकिन अगर इसमें कार्बन की संख्या इंक्रीज हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए जब कार्बन की संख्या इंक्रीज हो रहा है उसके कंडीशन पर जो इनकी फिजिकल स्टेट है इनको अगर बोले जाए तो यहां पर बोले निम्नतर सदस्य। और इस तरह से जो हेलो एल्केन वाला निम्नतर सदस्य है उसकी जो फिजिकल स्टेट है वह जो कि गैस फॉर्म पर होगा। और इसकी उच्चतर सदस्य की बात किया जाए तो इसकी उच्चतर जो सदस्य है इस पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वह जो कि द्रव हो जाएगा। इस तरह से लिक्विड होते जाएगा। और इनकी ऑर्डर की बात किया जाए तो इनकी ऑर्डर क्या होगा, यह जो कि कलरलेस हो जाएगा और इनकी जो गंध है वह मधुर गंध रहेगा। तो इस तरह से इनकी जो कि फिजिकल स्टेट और ऑर्डर होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को इस तरह से देखते हैं। देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट पर सेकेंड नंबर है बॉइलिंग पॉइंट। होगा क्या बॉइलिंग पॉइंट में, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को इस तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर कंपेयर किया जाए इस तरह से हाइड्रोकार्बन के साथ तब होगा क्या। और एक साइड लिख दे यहां पास हेलो एल्केन की बात कर ले। देखिए हाइड्रोकार्बन यानी कि इस तरह से ऐसा एटम जिस पर कार्बन और हाइड्रोजन हो। अब इस हेलो एल्केन और इस हाइड्रोकार्बन पर कंपेयर करें कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। यहां पास अगर बात किया जाए आर एक्स के बीच पर तो इस एक्स पर जो कि पोलर या फिर आंशिक ऋणावेश लगता है और इस कार्बन पर आंशिक धनावेश लग जाता है। इस कंडीशन में जो इनकी पोलैरिटी है वह क्या है, अधिक है। और पोलैरिटी बढ़ने से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी बढ़ता है। तब इस तरह से बोल सकते हैं कि पोलैरिटी बढ़ने से अगर जो बॉइलिंग पॉइंट है वह बढ़ता है तब इस कंडीशन में जो हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी कम हो जाता है कंपेयर हेलो एल्केन के, तो हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी अधिक हो जाता है। चलिए अगर बात करें इस हेलो एक्स एल्केन पर इस आर की जगह और एक्स की जगह अगर दूसरे दूसरे एटम जुड़े या दूसरे दूसरे एल्काइल जुड़े तब क्या होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट बात करें यहां पास
तो इस तरह से जो एल्काइल रेडिकल्स है वह एल्काइल रेडिकल अगर समान हो तब इनकी रिएक्टिविटी की बात करें। इस तरह से देखिए, अगर यहां पास CH3 और Cl हो, अगला है यहां पास CH3 Br और देखा जाए यहां पास CH3 I, इस पर हो क्या रहे हैं एल्काइल ग्रुप जो कि समान है, और अगर एल्काइल ग्रुप समान हो तो रिएक्टिविटी या जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट को जो कि हैलाइड एटम से देखेंगे, और इस पर जो हैलाइड एटम है वह क्लोराइड है, यहां पास ब्रोमाइड है, यहां पास आयोडाइड है। इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि जो एटम जुड़ा हुआ है उस एटम में अगर एटॉमिक मास बढ़ता है तब उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी बढ़ते जाता है। तो देखिएगा यहां पास क्लोरीन के एटॉमिक मास की बात किया जाए जो कि इनकी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इसकी जो एटॉमिक मास है वो भी बढ़ते जाते हैं। तो यहां पर देखिए इन पर जो कि एटॉमिक मास आयोडाइड की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर एटॉमिक मास क्या हो रहा है, क्लोराइड का कम है, फिर ब्रोमाइड का उससे ज्यादा है, उसके बाद आयोडाइड का उससे भी ज्यादा है। तब इस कंडीशन में इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है इस तरह से हो जाएगा, यानी कि एल्काइल आयोडाइड की बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा कंपेयर एल्काइल ब्रोमाइड और उसके कंपेयर में जो कि एल्काइल क्लोराइड है। तब वैसे ही अगर कोई एक ही एटम रह जाए, एक सब ग्रुप अगर समान हो, इस तरह से समान हैलाइड हो, तो देखिए समान हैलाइड होगा तब क्या होगा, मान लो यहां पर क्लोरीन को ले लो, तब होगा क्या कि इस तरह से जो एल्काइल रेडिकल्स CH3 Cl है, यहां पर बात करें तो CH2 Cl2 है, उनकी बात और करें तो CH Cl3 है, और यहां पर बात करें तो यहां पर जो कि CCl4 है। इस कंडीशन में हमें देखना क्या है, इस तरह से देखें यहां पास जो एल्काइल रेडिकल है क्या हुआ समान है, चलिए समान नहीं है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की कमी आते गए, और यहां पास जो हैलाइड एटम है क्या वह समान है, चलिए वह भी समान है लेकिन उनकी नंबर ऑफ एल्काइल बढ़ते जा रहे हैं। तब उस कंडीशन में होगा क्या, अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज होता है उस कंडीशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी इंक्रीज होता है। तब देखें इस पर जो जो यहां पर क्लोराइड एटम है वह बढ़ते जा रहे हैं, उस कंडीशन में जो इनकी बॉइलिंग पॉइंट है वह बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाता है। तब इस तरह से इनको कह सकते हैं, अच्छा यहां पर बता दे जो इस तरह से मिथिल क्लोराइड है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वह -24 सेंटीग्रेड है, और यहां पर जो एल्काइल डाइक्लोराइड है उस एल्काइल डाइक्लोराइड का जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वह 40 सेंटीग्रेड है, और यहां पास मिथिल ट्राइक्लोराइड है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वह यहां पास 61 है, और उनके बाद जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वह 77 डिग्री सेंटीग्रेड है। तब इस कंडीशन में अगर एल्काइल रेडिकल समान होगा उस कंडीशन में जो एटॉमिक मास बढ़ेगा तब उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर हैलाइड कंपाउंड अगर बढ़ते यहां पर हैलाइड कंपाउंड या हैलाइड एटम समान हो तब उसकी जो कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तब उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। अच्छा फोर्थ नंबर की बात किया जाए, इस तरह से अगर CH3 CH2 CH2 और यहां पर Cl है, एक और एटम ले ले CH3 CH CH3 और यहां पर Cl, एक और ले लिया है मॉलिक्यूल CH3 C, इसको इस तरह से लिखे CH2 CH CH CH2 Cl, इनकी बात करें तो CH3 CH3 फिर यहां पर Cl। यहां पर देखें कि एल्काइल रेडिकल जो कि इक्वल है और यहां पास एक ही है, और यहां पास अगर कार्बन की संख्या की बात कर ले तो यहां पर जो कार्बन संख्या यहां पर CH3 और जोड़ दें
तब एक दो तीन चार, तो यहां पास कार्बन भी समान है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी यहां पास इज इक्वल ही है। तब यहां पास होगा क्या, तो इस तरह से कंपाउंड में यह कौन से है 3 डिग्री एल्काइल है, यह जो कि 2 डिग्री एल्काइल है, यह जो कि 1 डिग्री हेलो एल्केन है। 3 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और यहां पास 1 डिग्री हेलो एल्केन। यहां पर बता दे कि अगर इस तरह से चैन अगर बढ़ रहा है, देखिए चैन बढ़ते जा रहे हैं, और अगर चैन जो है बढ़ते जाएगा उस कंडीशन में इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी बढ़ते जाएगा। हो क्या रहे हैं, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वह बॉइलिंग पॉइंट है 78 सेंटीग्रेड पर है। इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट हमको मिल रहा है वह हमको मिलने वाला है यहां पर 69 सेंटीग्रेड मिलेगा, और यहां पास इनकी बात करें तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है इस तरह से 51 सेंटीग्रेड है। तब यहां पर जरूर बोल सकते हैं कि एल्काइल पर जो पार्श्व श्रृंखला है, जो चैन है वह बढ़ते जाता है, उस कंडीशन पर उसकी जो रिएक्टिविटी है, सॉरी उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी बढ़ते जाता है। तो फिर इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यहां पर सॉल्युबिलिटी को। चलिए यहां पर थर्ड नंबर बात करें इस तरह से जो सॉल्युबिलिटी है उनके बारे में। देखिए जो इस तरह से एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड पर जो कि पोलैरिटी अधिक है, अब है क्या है यहां पास, जब इनके बीच में पोलैरिटी अधिक है इस तरह से, तब यहां पास जो आकर्षण बल है वह आकर्षण बल क्या है, जो कि अधिक है, और यहां पास आकर्षण बल अधिक होने से इन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद अगर H2O के साथ बॉन्ड बनाया जाए तब इस तरह से जो H2O बॉन्ड पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक मजबूती से बनाना भी मुश्किल है। तब यहां पर क्या हो रहे हैं, जो इनकी आकर्षण बल की वजह से अधिक अट्रैक्शन से बना हुआ है, पोलैरिटी अधिक है, और इस पानी के जैसा बॉन्ड बनाया बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब यह हेलो एल्केन जो कि पानी में कम मिले हैं, यहां पास इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हेलो एल्केन है इनकी पोलैरिटी अधिक है और आकर्षण बल अधिक है, तब यह पानी में जो H2 होता है वैसी मजबूती से बॉन्ड बनाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए यह हेलो एल्केन जो कि पानी में अविलेय है। और इसके साथ साथ यह जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जो कि घुलता है, विलेय है, इस तरह से एल्कोहल ईथर जो कंपाउंड होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनकी सॉल्युबिलिटी होता है। वैसे ही यहां पर चौथे नंबर पर बात करें इनकी डेंसिटी के बारे में, तो देखिए डेंसिटी के लिए होता है क्या कि अगर इस तरह से अगर ले ले CH3 आयोडाइड, CH3 Br और CH3 Cl, होगा क्या डेंसिटी कैसे होगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा उस कंडीशन पे इसकी जो डेंसिटी है वह भी बढ़ते जाएगा। यहां पर देखिए जो आयोडाइड है, ब्रोमाइड है और फ्लोराइड है, इन सभी में आयोडाइड की जो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट है वह अधिक है, और इन दोनों की बात किया जाए तो ब्रोमाइड की अधिक है, तो इस कंडीशन में एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड और यहां पर एल्काइल क्लोराइड इनकी डेंसिटी आ जाता है। वैसे ही अगर बात किया जाए इस तरह से, अच्छा यहां पास इनकी डेंसिटी होता है, हमने यहां पास क्या पढ़े हैं, अगर नोट की बात किया जाए तो हमने पढ़े हैं यहां पास अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है उस पर कंडीशन क्या होता है, पहला तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तब उस कंडीशन पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है,
सेकेंड नंबर देखे हैं कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है उस कंडीशन पर बॉइलिंग पॉइंट जोकि बढ़ते जाता है, और इस तरह से देखे हैं कि अगर पार्श्व जो चैन है वह बढ़ता है उस कंडीशन में उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी बढ़ते जाता है। उसके अलावा इस तरह से देखे हैं जो सॉलिबिलिटी की बात करें तो यह सॉलिबिलिटी जो कि कम सॉलिबिलिटी होता है, जो हेलो एल्केन है उनकी सॉलिबिलिटी कम होता है, और इन सॉलिबिलिटी में जो एच एफ है यह सिर्फ पानी के साथ जो कि घुलता है, उसके अलावा एच सी एल और कोई दूसरा एटम कंपाउंड नहीं घुलता है। अच्छा, यहां पास एच एफ की पानी में घुलने की वजह है कि इस हाइड्रोजन के कंपेयर में जो क्लोरीन है उनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वह अधिक होता है, इसलिए इस पानी के हाइड्रोजन के साथ जो फ्लोरीन है वह अच्छे से हाइड्रोजन बन बनाता है, इसलिए यह जो कि पानी में घुलता है। और यहां पर जो HCl है वह H2A के साथ अविलेय है, क्योंकि यह HCl की जो क्लोराइड है और इस पानी के जो हाइड्रोजन है आपस में जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए यह पानी में नहीं घुलता है। यहां पर और बात करें, जो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाता है उस कंडीशन में होता क्या है, जो डेंसिटी बात करें, जो डेंसिटी है वह क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जा रहे हैं उस कंडीशन में इनकी डेंसिटी भी बढ़ रहे हैं, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है उनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उस कंडीशन पर उनकी जो डेंसिटी है वह भी बढ़ते जाता है। तो इस तरह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।